हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज संडे है और संडे को मेरे घर पे हमेशा ही राजमा चावल बनता है और मैं हमेशा ही रात को राजमा भिगाना भूल जाती हूँ। जब मैं राजमा की दाल को सोक करना ही भूल जाती हूँ तो फिर मैं हर संडे को राजमा बनाती कैसे हूँ वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, राजमा एक ऐसी दाल है जिसे हम लगभग 7-8 घंटा सो करते हैं तभी बहुत अच्छे से वो गलती है और बहुत अच्छी दाल बन करके तैयार होती है। अक्सर ऐसा ही होता है घरों में कि हम रात को दाल भिगाना ही भूल जाते हैं। अगर आप भी राजमा की दाल भिगाना भूल गए हैं तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप जब चाहो राजमा की दाल बना सकते हो। फ्रेंड्स, तो उसके लिए ये करना है कि राजमा की दाल में एक सीटी लगा देना है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले राजमा की दाल में 1 चम्मच नमक और 2 चुटकी हींग उसमें ऐड कर लेना है। हींग से और नमक से राजमा की दाल बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए हींग और नमक डाल करके आप एक सीटी लगा लीजिए। फिर गैस ऑफ करके 1 घंटा आप दाल को रेस्ट पर छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद ये देख लीजिए दाल अच्छे से भीग गई है। फिर 1 घंटे के बाद आप फिर से गैस ऑन कर लीजिए और इसमें 4 सीटी लगा लीजिए। देख लीजिए 4 सीटी लगाने के बाद मेरी दाल कितने अच्छे से गल गई है, ये देख लीजिए बहुत अच्छे से दाल गल गई है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं राजमा की दाल। ये बनाने के लिए मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर ले लिया है। सबसे पहले हम इन सभी को ग्राइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है राजमा एक ऐसी दाल है जो सभी की फेवरेट होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी भी फेवरेट दाल है राजमा। राजमा चावल खाना मुझे बहुत पसंद है। मेरी तरह राजमा चावल खाना किन किन को पसंद है मुझे कमेंट करके बताना कि किसकी फेवरेट दाल राजमा है। तो फ्रेंड्स, दाल बनाने से पहले हम सभी चीजों को ग्राइंड कर लेंगे। दाल बनाने से पहले ही हम सारी तैयारियां कर लेते हैं तो फिर जल्दी से दाल बन जाती है, इसलिए मैं सभी चीजों को ग्राइंड करके रख लेती हूँ। 1 घंटा हमने राजमा की दाल को रेस्ट पे छोड़ना है, तब तक हम राजमा की दाल बनाने की तैयारियां कर लेंगे। सारी चीजों को ग्राइंड कर लेंगे, चावल बना लेंगे। अगर कोई सब्जी आपको बनानी है तो आप वो भी बना लीजिए। फिर उसके बाद आप राजमा की दाल में 3-4 सीटी लगा लीजिए, राजमा की दाल अच्छे से गल जाएगी। फ्रेंड्स, तो कढ़ाई में मैंने लगभग 4 चम्मच घी ले लिए हैं और तड़के में मैं डाल रही हूँ ये 3 लौंग जिसे मैंने कूट लिया था, और साथ में तड़के में मैं डाल रही हूँ जीरा। और अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी ये प्याज। तो प्याज को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो राजमा की दाल होती है इसकी जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी होती है। कभी कभी हमें इस दाल को डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा लौंग और हींग ऐड कर लीजिए तो आपको ये दाल डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपको एसिडिटी भी नहीं बनेगी हींग और लौंग डालने से। तो देख लीजिए प्याज के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भून लिया था और अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है ये टोमेटो प्यूरी। और इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूंगी कुछ मसाले। तो मसाले में मैंने लिया है ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच मैं लूंगी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, और आधा चम्मच मैंने इसमें ले लिया है ये जीरा पाउडर। तो इन मसालों को भी बहुत अच्छे से भून लेते हैं। मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं, ये देख लीजिए। अब इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ पानी। पानी डालने के बाद हम मसालों को बहुत अच्छे से पका लेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मसाला बहुत अच्छे से पक गया है और अब इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ ये दाल। तो फ्रेंड्स, राजमा की दाल को आप चावल के साथ खाते हैं या फिर रोटी के साथ खाते हैं उस हिसाब से आप अपनी दाल बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप रोटी के साथ दाल खाना पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा गाढ़ा रखिए, उसकी ग्रेवी थोड़ी थिक रखिए। अगर आपने इसे रोटी के साथ बनाया है तो ये देख लीजिए बिल्कुल तैयार है ये दाल, पर मैं बना रही हूँ इसे चावल के साथ तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स,
मेरे घर पे सब लोगों को राजमा और चावल खाना पसंद है, और चावल के साथ थोड़ी सी पतली दाल खाना पसंद है, तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए, कितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो पानी डालने के बाद इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को राजमा की दाल बनाने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताया है फ्रेंड्स, जिससे आप जब चाहो राजमा की दाल बना सकते हो। जब आपका मन करे राजमा की दाल खाने का, तब आप राजमा की दाल इस तरीके से बना सकते हो फ्रेंड्स। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैंने ये राजमा की दाल बना ली है। मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ कि कितनी जबरदस्त ये दाल बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से राजमा की दाल बना सकते हैं बिना भिगाए भी। तो देख लीजिए, मैंने ये दाल चावल बना लिया है। आप भी इसे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कैसी बनी थी। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अब आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।